नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले बुल्ली बाई ऐप का मामला सुर्खियों में था और उसे कुछ महीने पहले जुलाई 2021 में इंटरनेट और मीडिया भी सुल्ली डील्स कैंपेन की खबरों से छाया हुआ था। आखिर में पुलिस ने कार्यवाही की है, कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन ये केवल उन लोगों तक सीमित हैं जिन्होंने कथित तौर पर खुद इन ऐप्स को बनाया है या ऑपरेट किया है। जिन लोगों ने इन टारगेटेड मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस विशियस कैंपेन को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए इन युवाओं को प्रेरित किया है, वे अनटच्ड हैं। हर कोई जानता है इन युवाओं को संघ परिवार की नफरत की फैक्ट्री और उसके नेताओं ने एक डिविसिव और पॉइजनस नैरेटिव बहुत सालों से फीड किया है। फिर भी वे अज्ञात और बेदाग हैं। आखिरकार हम सभी इस बात से वाकिफ हैं, नाथूराम गोडसे ने भले ही महात्मा गांधी की हत्या की हो, लेकिन उसे लगभग एक दशक पहले से ही विनायक दामोदर सावरकर ने उन्हें उकसाया था, फिर भी अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन तब भी संदेह की सुई उन्हीं की ओर इशारा करती रही। बुल्ली बाई और सुल्ली डील ऐप लॉन्च करने के लिए युवाओं को उकसाने वाले आज के सावरकर हैं। 1948 में ट्रायल कोर्ट में अपने डिफेंस स्टेटमेंट में गोडसे ने घोषणा की थी ये कि उन्होंने इस तथ्य को कभी नहीं छिपाया कि उन्होंने उस विचारधारा की स्कूल का हमेशा से ही समर्थन किया जो गांधी के विरोध में थे। इस तथाकथित स्कूल का प्रिंसिपल कौन था? क्या वे सावरकर नहीं थे? अब विचार करने का प्रश्न सीधा है, क्या बुल्ली बाई और सुल्ली डील केसेस में गिरफ्तार किए गए युवा भी अदालत में अपने बचाव के दौरान कहेंगे कि वे एक स्कूल ऑफ थॉट से प्रेरित थे? और क्या उस स्कूल के नेताओं को सजा नहीं मिलेगी जैसे कि गांधी जी की हत्या के मामले में हुआ था? हमें समझना होगा चरित्र हनन वास्तविक हत्या से कम अपराध नहीं है। समझना जरूरी है मुस्लिम महिला का बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स ऐप के जरिए टारगेटिंग कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। कुछ ही महिलाओं के नाम और फोटो बेशक डाले गए हों, परंतु उनको तो सिर्फ एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। उन महिलाओं की तरह अगर आजाद और बेफिक्र बनो तो आपको भी अंजाम यही होगा। मैसेज यही दिया जा रहा है हर मुसलमान महिला को। अब महिलाओं पर, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं पर साइबर हमले बहुत आम हो गए हैं। इसमें लेकिन कोई आश्चर्य नहीं है, इसी तरह का विलिफिकेशन और इस्लामोफोबिया का एक लंबा इतिहास है। बहुत कुछ जिसको अब नॉर्मल या सामान्य माना जाता है, इन सब की शुरुआत हमने अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के काल से देखने को मिलता है। मुस्लिम महिलाओं का करंट ऑनलाइन स्लैंडर, जिसके तहत उनको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स में रिड्यूस किया जाता है, इसकी शुरुआत उसी आंदोलन से हुई थी जिसके बारे में संघ परिवार के नेता अब कहते हैं कि ये वही आंदोलन है जब न्यू इंडिया की नींव डाली गई थी।
मैं एंड 1980s और अर्ली 1990s में एक अखबार के लिए रिपोर्टर था। संघ परिवार की राजनीति और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में मेरा खास फोकस था। राम मंदिर के एजिटेशन में वॉल राइटिंग्स और ग्रेफिटी में कॉमन स्लोगन्स पाए जाते थे। मैं बाबर का दामाद हूं, मैं एक मुसलमान की बेटी के साथ सोता हूं। जिनत अमान और सायरा बानो जैसे मेरे लिए हमेशा उपलब्ध हैं। तब और अब हिंदुत्व अभियान में निहित सेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। कॉन्स्टेंट जक्स्टपोजिशन होता था। एक तरफ उमा भारती, साध्वी रितंबरा जैसे हिंदू सन्यासिन भगवा वस्त्र में वे अनअटेनेबल हिंदू संत महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं अपने रिपोर्टिंग डेज से आपको बताना चाहूंगा। बात दरअसल अक्टूबर 1990 की है। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा प्रारंभ करने के लिए ऐलान किया था। लाल कृष्ण आडवाणी अपने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा पर सितंबर के महीने में निकल चुके थे। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें फोकस में आ गए। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव इन दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे। वे इस कार्यक्रम को रोकना चाहते थे। लालू यादव ने आडवाणी को समस्तीपुर में अरेस्ट कर लिया। मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या के चारों तरफ घेराबंदी कर दी, सारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर सील कर दिए। टॉप विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एंट्री नहीं मिल रही थी। पुलिस डिटेंशन से भागकर सील्ड बॉर्डर्स को इवेड करते हुए उमा भारती बहुत ही नाटकीय तरीके से हम सब पत्रकारों के बीच अयोध्या में प्रकट हो गई। उस समय उमा भारती फर्स्ट टाइम एमपी थी, ज्यादा पब्लिक आई में नहीं उनको देखा जाता था। इस घटना के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर बहुत सालों तक नहीं देखा। उमा भारती ने पत्रकारों को बताया कि वे डिस्गाइज करके पुलिस को डिसीव करते हुए अयोध्या पहुंची थी। उन्होंने अपने बाल मुंडवा दिए थे। एक गुजरात के एमपी थे, वे भी अयोध्या पहुंच गए थे क्योंकि यूपी पुलिस उन्हें पहचानती नहीं थी। उन्होंने हम लोगों से बातचीत के दौरान उमा भारती की साहस की बहुत तारीफ की। फिर कहा, यह सिर्फ हिंदू सन्यासिन ही कर सकती हैं। देखा, उन्होंने अपने बाल त्याग दिए राम मंदिर के कॉज के लिए। मंदिर के लिए स्त्रीत्व की अल्टीमेट सिंबल को रामलला के लिए बलिदान दिया, ऐसा उन्होंने हम लोगों को कहा था। इस इंसिडेंट ने क्लियर कर दिया, संघ परिवार के पर्सपेक्टिव में आदर्श महिला वो ही हो सकती है जो अपने आप को डीसेक्सुअलाइज कर सकती हो, अगर धर्म के लिए उसे कुछ करना हो तो। वहीं दूसरे तरफ मुस्लिम महिलाएं, चाहे बाबर की या आम मुसलमान की बेटी या फिर जिनत अमान, सायरा बानो जैसे ग्लैमर वर्ल्ड के मुस्लिम महिलाएं, वे तथाकथित राम भक्तों के लिए अवेलेबल थीं। इन स्लोगन्स के पीछे राम मंदिर बनाने की भावना नहीं थी। वो आंदोलन तो बस एक जरिया था मुस्लिम्स को सब्जुगेट करने के लिए। इतिहास में अक्सर किसी भी दो समुदायों या फिर राष्ट्रों के बीच जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ये अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को बैटल फील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके रेफरेंसेस हमको माइथोलॉजी में भी मिलते हैं। आप समझ गए होंगे मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं। सेक्सुअल वायलेंस और ऑफेंसिव सेंटिमेंट्स का रेफरेंसेस हमको
विनायक दामोदर सावरकर के राइटिंग्स में भी देखने को मिलता है। हिंदू औरतों को पवित्र महिलाओं की तरह पेश करके उनको मुस्लिम मर्दों के सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम्स की तरह पेश किया सावरकर ने। 1927 में उन्होंने संगीत उन्श्राप नाम का एक नाटक लिखा था। बंगश खान नामक एक वायलेंट कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया था। उस पात्र का एक मोनोलॉग उसके उद्देश्य को दर्शाता है। वो कैरेक्टर स्टेज पे आके बोलता है, जितना अधिक मैं हिंदू लड़कियों का अपहरण करता हूं और उन्हें अपने जनाना में शामिल करता हूं, मुसलमानों में मेरी इज्जत उतनी ही बढ़ती है। सावरकर ने सेक्सुअल वायलेंस का इस्तेमाल को पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी जस्टिफाई किया। उनकी एक किताब थी, सिक्स ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने उसमें लिखा था, मुसलमान बादशाह तो हिंदू औरतों पर अत्याचार करते थे, परंतु हिंदू महाराजाओं ने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने तो शिवाजी को भी नहीं छोड़ा और उनकी भी निंदा कर डाली। कल्याण के मुस्लिम गवर्नर को हराने के बावजूद शिवाजी ने उनकी बहू को सेफली लौटा दिया। आपत्ति थी सावरकर को इससे। बुल्ली बाई और सुल्ली डील एप्स के पीछे क्या मानसिकता है आप सब समझ गए होंगे। तो क्या इन टोकन एरेस्ट से ये दौर में रुकावट आएगी, या फिर कुछ अंतराल के बाद मुस्लिम महिलाओं का टारगेटिंग का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा? नमस्कार।